अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हरे होंगे। तो भाई आजकल दो तीन दिन से मुसलसल इतना फोगी वेदर हुआ है, यानी कि इतनी फोग हर तरफ, सुबह से दोपहर तक पता ही नहीं धूप किस टाइम निकलती है। और अब भी 3 बज गए हैं और मुझे क्रमलिंग वीडियो बनानी जानी थी, ये तो मैंने परसों की 2 वीडियोज़ बनाई हुई थी और वो भी मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि धूप देर बाद निकली थी, हल्का हल्का क्या कहते हैं क्लाउडी वेदर लग रहा था। तो मैंने जस्ट 2 वीडियोस अपनी रेडी की और फिर तीसरी भी मैंने उसी दिन की, यानी कि 3 वीडियोस मैंने बनाई। मैंने कहा मैं व्लॉग नहीं बनाती है आज, मैं 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैंने 3 वीडियोस रिकॉर्ड की, उनकी शेप्स भी नहीं बनाई क्योंकि टेक्स्चर काफ़ी पेस्ट वाला हो गया था। तो क्योंकि मुझे डिपिंग वीडियो की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने ना फिर क्या कहते हैं डिपिंग वीडियो ही बनाई। वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने ना एक ग्रिटी सैंड जो है ना उसकी टोटल डिपिंग वीडियो बनानी है और मेरी बर्थडे के लिए आपने ना वो मुझे टैग कर देनी है। मैंने फिर उनके लिए डिपिंग वीडियो में, जाहिर है पानी फिर ज़्यादा ही डलता है फिर तो ही डिपिंग वीडियो अच्छी बनती है, वरना कम पानी में ना डिपिंग वीडियो तो नहीं, बस अजीब सी फिर वो गंदी सी वीडियो बन जाती है। तो मैं फिर जब एक कोई वीडियो रेडी करने लगती हूँ तो टोटल जब होता है, कोई कहता है कि उसी बेस पे हो तो फिर मैं उसी तरह से ही उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। तो उस चक्कर में ना पानी ज़्यादा डल गया और फिर मेरी जो था ना वो क्या कहते हैं हाँ डिपिंग वीडियोज़ की वजह से ना पेस्ट वाला टेक्सचर बन गया। और फिर मैंने ना उस क्या कहते हैं टेक्सचर को ज़मीन पे फैला दिया। फिर मैंने 2 वीडियो बनाई, वो भी थोड़ी, एक डिपिंग वाली वीडियो बनाई ज़्यादा, उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा पेस्ट रहा था, लेकिन मेरी अंदर हिम्मत नहीं थी शेप्स बनाने की। तो मैंने फिर वो टेक्सचर्स को भी क्या कहते हैं ऐसे ज़मीन पे फैला के रखे आगे। तीनों टेक्सचर मेरे फ़िलहाल अभी ज़मीन पे पड़े हुए, ना उनकी कोई शेप्स बनी पड़ी हुई हैं, बल्कि 4 टेक्सचर्स। और 3 दिन से मुसलसल ये देखे, अभी तो कुछ कम हो गया लेकिन सुबह देखती नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल सफ़ेद। तो फिर ना अब मैं क्या कहते हैं 3 बज गए और मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, मेरे हाथ इतने ठंडे बर्फ़ हुए हुए हैं, मुझे मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ कि मैं छत पे जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं या कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूं, इतनी सर्दी और इतनी ठंड हुई हुई है। ऊपर से आपको पता है क्रमलिंग भी हमने पानी के अंदर करनी है, तो पानी इतना ठंडा बर्फ़ होता है कि दांत बज जाए बंदे के। अभी मैं नीचे बैठी हुई थी और मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी और मैंने आपके साथ एक चीज़ का रिव्यू करना था। ये देखें, ये मैंने ली थी, पता नहीं क्या प्रोडक्ट है, मुझे तो इतना पता नहीं इन चीज़ों का। ये मेरे जो जिनसे हम कॉस्मेटिक का अक्सर सामान खरीदते हैं ना, उन्हीं से मैंने ना एक लिप बाम कहा था, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया, कहते हैं ये आजकल आया है बड़ा ही लोग क्या कहते हैं अच्छी चीज़ है ये, फलाना फलूना जो भी उन्होंने इसकी तारीफ़ें की, पता नहीं क्या नाम है, लश ये क्या लिखा हुआ है, लश ब्लश क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही, लश फ्लश क्या लिखा हुआ है, बेस्ट रूट स्टे शाइनी मैजिक टिंट है। उन्होंने मुझे टिंट दिया और उन्होंने कहा कि ये आप लेंगे 24 घंटे रहता है इसका रिज़ल्ट फलाना। बरहाल 780 का था, 780 का, तो मैंने कहा कि इतना महंगा है और ऊपर से है भी, दिखाती हूँ खोल के आपको कितना सा अंदर। 780 का उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मैंने 780 का नहीं लिया था, मैंने 680 का लिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर आपने इसमें दूसरा भी आता है 2 नंबर वाला भी, यानी कि सेकंड हैंड वाला, सेकंड हैंड कह रही हूँ, एक ओरिजिनल है एक थोड़ा सा उसका कॉपी है, तो आप कॉपी वाला ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे ओरिजिनल चीज़ अच्छी लगती है, मैं कॉपी चीज़ कभी पसंद ही प्रिफर नहीं करती। ये देखें, ये उन्होंने भाई कहा कि ये है टिंट, ये है वाइट कलर की क्रीम है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा ऐसे क्या कहते हैं रब करते हो, थोड़ा मिक्स करते हो तो ये पिंक कलर में टच दे देता है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो मैं ले लिए। उस टाइम उन्होंने मेरे ना हाथों में ये लगा कर ना मुझे चेक कराया कि हाथ पे ना ऐसे हल्का से ड्रॉप डाल के उनका कि देखें इसका कलर जो है कैसे चेंज हो जाता है। लेकिन जब मैंने घर आके ये लिप्स पे लगाया ना अपने, मसलन टिंट जो है भाई, इसकी स्मेल इतनी गंदी, ऐसे जैसे कोई अंदर पेट्रोल डाला हुआ इसके,
और मेरे पैसे भी वेस्ट हुए हैं। देखिए मेरे नेल्स में अभी भी सीमेंट घुसा हुआ है और नेल्स इतने गंदे लग रहे हैं। ये देखें, मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ अपने हाथों में। रुके, ये देखें, ये वाइट ड्रॉप है। अब मेरे हाथ, मेरे पास भी कोई ट्राईपोड नहीं है, ट्राईपोड छत पे बड़ा हुआ है, तो मैं आपको इसको मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे वाइट कलर का ड्रॉप डाला है और अब इसको मिक्स करके देखते हैं कितना कलर इसका आता है। ठीक है, इतनी गंदी स्मेल आई है ना इसके लगाने के बाद। ये देखें क्या गंदा सा रिजल्ट दिया इसने, नज़र आ रहा है आपको, मरा हुआ पिंक कलर। यार ये बहुत लूट लिया अंकल ने तो, गंदा सा टिंट दे के मुझे। और अब भाई दुकान भी इतनी दूर है हमारे घर से, यानी कि हम जहाँ पहले रहते थे ना वहाँ से हमने लिया है, वहाँ के बाज़ार से। तो वहाँ के बाज़ार और यहाँ के बाज़ार में मैक्सिमम 2 घंटों का डिस्टेंस है। और मैं भाई एक पहले हम यहाँ से ख़र्चा करके उधर दुकान में जाएँ, ठीक है, यहाँ से जाने का रेंट भी उधर का जो है ना इतना ज़्यादा है, तो 2,000 तो आपका क्या कहते हैं आने जाने में ही लग जाता है। तो भाई 2,000 रुपया पहले लगाएं, फिर उस दुकान में जाके आप ये गंदा सा टिंट वापस करें, और फिर क्या कहते हैं आपको पड़ गए कम से कम इसको चक्कर के वापस कराने के चक्कर में 2,000 रुपये तो पड़ गया। ठीक है, लेकिन बंदा क्या करे, मुझे ये गुस्सा भी आ रहा कि इतना उन्होंने गंदा सा टिंट मुझे दिया। जाहिर अब 700 रुपया 680 रुपये का इन्होंने दिया है, तो ये क्या मेहनत के पैसे मैं से वेस्ट कर दें? 680 रुपये इतनी आसानी से तो नहीं बनते 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन खैर पैसे वो हमारे क्या कहते हैं वहाँ से हम काफ़ी चीज़ें वगैरह खरीदते रहे हैं, लेकिन जाने की वजह से बस मसला हो रहा है। अदरवाइज वरना मैं उनको कहूँ अंकल आपने मुझे बहुत ही घटिया किस्म का टिंट दिया है, जाके आपने ये मैजिक किसी और के साथ करे, आपने वाकई में मेरे साथ मैजिक किया है, 2 नंबर मैजिक। तो किसी ने पूछा था कि आप अपने हाथों की केयर के लिए क्या करती हैं, मैंने बताया था सिंपली मैं लगाती हूँ वैसलीन, ठीक है, ये मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ, लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, और अपनी क्या कहते हैं बाजुओं में, हाथों में, हर जगह पे लगा लेती हूँ। ठीक है, और मैंने एक और लोशन रखा हुआ है वो दिखाती हूँ, साथ में मैंने ये लोशन रखा हुआ है, ये जी बहुत अच्छी इसकी खुशबू है और ये बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा लोशन है। जाहिर है पता है सबको कि वैसलीन के प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अपने हाथों में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, अभी मैं लगाऊंगी। देखिए हाथ चेक करें, ओल्ड औरतों वाले हो गए, वुमेन वाले, ओल्ड वीमेंस जो होती हैं ना बूढ़ी, उनके जैसे हाथ हो गए, रिंकल्स आ गए हाथों में। तो चले मैं ये लगा लूँ लोशन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आयशा अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये है जी पिंक लिप्स शुगर लिप पॉलिशर, और ये है भाई लिप्स पे लगाने के लिए अगर आपकी लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं भाई, हाँ लिप्स जो है ड्राई हो जाते हैं और एक होता है ना स्किन ऊपर से लिप्स से उतरना शुरू हो जाती है जब स्किन लिप्स जो ड्राई हो जाते हैं आपके, तो उसके लिए स्क्रब है। और ये आपने लेकर ना अपने लिप्स पे थोड़ी देर के लिए इसको मसाज करना है, ऐसे 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 जो भी तरीका है, मसाज करने के बाद आपने अपनी स्किन को वो जो है ऊपर से इसको रिमूव कर देना है, वो जो भी ऊपर एक क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे ना वो हैं पार्टिकल्स हैं। और ये बना हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वॉलनट बीटरूट नेचुरल बटर स्ट्रॉबेरी पल्प और कैन शुगर जो गन्ना होता है, ठीक है, तो ये उन चीज़ों का बना हुआ है। तो ये मेरी कज़न ने मुझे ला के दिया है, पता नहीं मैंने ये 2 बार यूज़ किया, इसका इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जैसे बबल नहीं होती है च्युइंगम उस जैसी इसकी खुशबू है जो बड़ी मज़े की है। तो ये मैंने 2 बार ट्राई किया था और इसको मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मेरे भी ना लिप्स अक्सर ड्राई ऐसे हो जाते हैं कि मेरी स्किन जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह से ये आपको ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, और फिर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ना वो बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। तो मैं सोचा मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है अपने पास। सबसे पहले ये घटिया टिंट जिसको लगा के मैं बेहोश होने वाली हो जाती हूँ, जो मैं अब नहीं यूज़ किया, मैंने जस्ट 2 बार यूज़ किया, और ये मेरे दिल करते मैं मुंह पे मार किया हूँ अंकल के। फिर ये वैसलीन लोशन, ये डेली रूटीन में मेरे यूज़ है, और एक ये वैसलीन,
और ये मैं जब मुझे नीड हो, जब मुझे लगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं होए हुए हैं स्किन ऐसी ड्राई, तो मैं यूज़ कर लेती, अदरवाइज़ नो। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो है ना, ये मैं लाजमी अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। और बस ये मेरा थोड़ा सा रिव्यू था। अब मैं ज़रा अपने हाथों के ऊपर मुंह पे कुछ लगा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे पाँव हाथ पाँव ठंडे हुए हैं, तो मे बी इनको क्या कहते हैं वैसलीन और लोशन लगा के थोड़े से हाथ ड्राई जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और ठीक है। तो मैं मिलती हूँ बाद में। ये देखें इतनी सर्दी लग रही थी ना, ये हम इसी पे खाना बनाते हैं ना, ये अंगीठी पे। तो ये अंगीठी पे जब खाना बना लिए ना, ये अंगीठी पे जब खाना बना लिया ना, तो ये अंगीठी अंदर लेकर आ गए, और इससे इतना सुकून मिल रहा है, यकीन करें सुकून आ गया। हमने बनाया है आलू गोभी का सालन साथ में रोटियां, वो मैं खाने लगी हूँ, तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो भाई अब मैं खाने लगी हूँ खाना, मैंने कहा मैं छोटा सा ही व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मेरा कलर भी पहले से कितना ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि यू नो मैं बीमार हुई थी बीच में काफ़ी। अब मैं खाने लगी हूँ खाना, फिर मिलते हैं आपसे। इतनी सर्दी लग रही है ना मुझे, मेरा माइक किधर है, इतनी सर्दी है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस माइक का रिजल्ट ना मुझे ना ब्लरी ब्लर ब्लर लग रहा है, पता नहीं क्यों। माइक कह रही हूँ कैमरे का, फ्रंट कैमरे का रिजल्ट देखिए। मैं लेके बैठी हूँ ब्लैंकेट, खाना मैंने खा लिया। मेरी कैमरा मेरे दांतों को इतना गंदा दिखा रहा है, ऐसे मेरे दांत टूट के मेरे मुंह से गिर के बाहर आ जाएंगे। कैमरा दांतों को बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल नहीं सही दिखा रहा। ये मैं पहली बार ना अपने इस कैमरे से अपनी फेस वीडियो बनाई है। क्या बुला रही हूँ मैं, मैंने ना पट्टियाँ की हुई थी, क्योंकि अब जाहिर अब तो मैंने खाना खा लिया। और अब मैं जो हूँ बाबा बाबा आग के पास ही बैठी हुई, इतनी सर्दी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैंने सोचा कि मैं ना शॉर्ट सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि छत पे तो मैं आज काम करने गई नहीं हूँ, और साफ़ करने दें, छत पे तो मैं अपना काम करने गई नहीं हूँ, और अभी नीचे ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि ऊपर जाने का कोई सीन भी नहीं है। ऊपर इतनी इतना ऊपर धुंध आया हुआ है ना, है ना मम्मा, बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रही है यहाँ से। मैंने आपको अभी खिड़की में भी दिखाया था, और उधर मैंने आपको टिंट दिखाया था ना, वो भी मैंने अपने मुँह पर लगाया है, देखिए हल्का हल्का। और मैंने हाथों पर लोशन भी लगाया था। अच्छा तो अभी के लिए मैं यही व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, मैं मिलूँगी आपसे बाद में इंशाल्लाह ताला। देखिए मेरे हाथों में भी अभी तक लगा हुआ है, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। मैंने लिए थे न्यू ग्लासेस, मैंने अपने ग्लासेस चेंज किए हैं, और ये मैंने अपने ग्लासेस न्यू वाले लिए हैं। अब बताना आपको कैसे लगे हैं मुझे तो बड़े मुँह पर कोई कह रहा आपने मुंह से छोटे ले लिए, कोई मुझे लग रहा है मेरे मुंह से बड़े ग्लासेस हैं ये भी, बताएं मम्मा। वहाँ मुझे दूर से इशारे किए जा रहे हैं, नो आप बताएं आपको मेरे ये ग्लासेस कैसे लगे, ठीक है। एनीवेज अभी के लिए तो अब मैं ना क्या कहते हैं मैं आपसे मिलूँगी बाद में इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। लास्ट में मैं ना डैम क्रमलिंग के जो मैंने शॉर्ट्स रखे थे वो एडिट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि यकीन करें आज कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया मैंने आपका दिखाया आपका। हाँ तो हम आग सेक रहे हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे क
कल इंशाल्लाह, ठीक है। अभी के लिए मैं इजाज़त, अपना तो उसका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वो देखिए आयशा को, आयशा हाय करो, आयशा हाय कर दो, बेइज्जती।